गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमने छठी क्लास का टॉपिक लिया है पौधे के भागों के नाम। मैंने एक ये सदाबहार का छोटा पौधा लिया है, तो इसमें सबसे नीचे से शुरू करते हैं, जड़ है और एक बीज में से सबसे पहले जड़ ही निकलती है। ये जड़ मिट्टी में बंधी रहती है जिससे पौधा उखड़ता नहीं। उसके बाद आता है तना, ये पौधे को सीधा रखता है, खड़ा रखता है। उसमें से फिर पत्तियाँ निकलती हैं जो पौधे के लिए खाना बनाती हैं। उसके बाद आएंगे फूल, ये पौधे का जनन अंग है, इसी में परागण होते हैं और जिससे परागण क्रिया होती है। उसके बाद एक दूसरे पौधे की मैंने ये कली लिया दिखाने के लिए, इस कली में से ही फूल निकलते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसा पौधा लीजिए, उसको अपनी कॉपी में रखिए, पुरानी कॉपी में 2-3 दिन, जिससे इसका जो पानी है वो सूख जाएगा और ये पौधा फिर आप अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं, वो कभी ख़राब नहीं होगा। थैंक यू।